हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं क्विक हैक हैकिंग कोर्स। आज हम जानेंगे कि डेटाबेस और डेटा क्या होता है और वेबसाइट से इसका क्या कनेक्शन होता है। अगर आप SQL इंजेक्शन हैक करना चाहते हैं, वेबसाइट्स को हैक करना चाहते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि डेटाबेस क्या होता है और डेटा क्या होता है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट डेटाबेस से जो कनेक्टेड है, उसके जो पासवर्ड होते हैं वो डेटाबेस में ही होते हैं। तो जो वेबसाइट लोग हैक करते हैं या जितने भी हैकर्स होते हैं, वो वेबसाइट की फाइल्स को अटैक नहीं करते हैं, वो वेबसाइट के डेटाबेस को अटैक करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में ही वेबसाइट के मालिक का या आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है और वही हमें चाहिए। तो मैं आज आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं डेटा पे कि डेटा क्या होता है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए एक स्कूल है, वहां पर एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं। अब 50 बच्चों की अलग अलग मार्क्स आए हैं, उनका हाइट अलग है, उनके वेट अलग है, ठीक है। और टीचर को एक टास्क दिया गया है कि आप सारे बच्चों की लिस्ट बनाइए, उनको जितने मार्क्स आए हैं वो लिखिए, उनकी हाइट लिखिए और वेट लिखिए। तो टीचर क्या करेगी, पहले वो सिस्टमैटिक वे में बच्चों के नाम लिखेगी, ठीक है, ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकली। फिर वो उनके वेट लिखेगी, हाइट लिखेगी, मार्क्स लिखेगी, ठीक है, जो भी डाटा होगा वो लिखेगी सिस्टमैटिक वे में। तो ये जो चीज पूरी टीचर ने बनाई, इसको हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा को सिस्टमैटिक वे में स्टोर करना डेटाबेस कहलाता है। तो यहां पर हमारा डेटा क्या था, बच्चों का नाम, हाइट, वेट और उनके मार्क्स। ऐसे ही डेटाबेस ऑनलाइन भी होता है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, जिसे SQL भी बोलते हैं, उसमें स्टोर करते हैं। तो अगर आप वेबसाइट हैक करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन डेटाबेस के बारे में समझना होगा। तो मैं अपनी वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं, अपने डेटाबेस पर लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि डेटाबेस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। डेटाबेस को एडिट करने के लिए हम यहां पर PHP माई एडमिन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये मैं अपनी होस्टिंग पे हूं जहां पर मैंने फाइल सेव किए हुए हैं, यहां से आप अपने डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अभी अपने डेटाबेस को खोलूंगा और आपको दिखाऊंगा कि डेटाबेस कैसे दिखता है और इसको कैसे हैक किया जा सकता है। खैर, हैक किया कैसे जा सकता है ये तो मैं आपको SQL इंजेक्शन की टेक्निक में बताऊंगा। फिलहाल हम ये सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेज नहीं खुला क्योंकि मेरा कनेक्शन शायद ठीक नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम इसको ऑफलाइन डेटाबेस खोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेटाबेस के बारे में बताना है तो हम आपको ऑफलाइन डेटाबेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने अपना ऑफलाइन सर्वर चलाया हुआ है, देखिए। तो ये मैंने जो सर्वर है अपना वर्चुअली चलाया हुआ है, मेरा जो ऑनलाइन सर्वर इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आप देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन जा चुका है, तो ये नहीं काम करेगा। तो मेरे पास जो डेटाबेस सिस्टम है वो मेरे कंप्यूटर में भी है, यहां से मैं आपको दिखा सकता हूं। चलिए देखिए, ये है MySQL, ठीक है, और यहां से हम एडमिन क्लिक करेंगे। आपके केस में ये PHP माई एडमिन होगा, जैसे कंट्रोल पैनल पे PHP माई एडमिन के नाम से होगा। यहां से आप अपने डेटाबेस को एडिट कर सकते हैं, अपने डेटाबेस को एडिट कर सकते हैं, राइट, किसी और के नहीं। किसी और को एडिट करने के लिए आपको उसको हैक करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर आ गए हम PHP माई एडमिन में। अब आप देख सकते हैं यहां पर कितने डेटाबेस है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर लेते हैं, देखिए कितनी सारी चीजें, ये कॉलम्स का है, देखिए कॉलम्स, ये टेबल है, कॉलम है, सब ऐसे डिवाइडेड होते हैं। ये कॉलम है, ये टेबल का नाम है, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, ऑल प्लगइन्स। कॉलम का नाम ये है, उसकी पोजीशन क्या है, देखिए ये इसका डेटा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि बच्चों के नाम, हाइट और वेट। तो मान लीजिए ये क्लास का नाम है टेबल स्कीमा, ये बच्चों के नाम है, ये उनकी हाइट है, ये उनका वेट है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होता है एक डेटाबेस का। और यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड भी स्टोर होते हैं, जैसे हम दूसरे डेटाबेस में जाते हैं, टेस्ट नाम का डेटाबेस है, इसमें जाते हैं, देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहां टेबल बना सकते हैं। चलिए क्रिएट टेबल पे करते हैं, नाम लिखते हैं यहां पर, जैसे लिखते हैं नेम, नंबर ऑफ कॉलम 4, ओके। देखिए 4 कॉलम बन गए और यहां पर हम यहां कुछ भी लिख सकते हैं, नेम, जैसे मैं लिखता हूं अभिषेक, ठीक है, यहां लिखता हूं अनुज, ठीक है,
यहाँ लिखता हूँ वर्मा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ सागर, ठीक है। और ये टाइप क्या है, किस टाइप के हैं, ये बूलियन है, अलग अलग वैल्यूज होती हैं डेटाबेस की, इसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए अभिषेक की एज कितनी है, 22, ठीक है। अनुज की एज कितनी है, 44। वर्मा की कितनी है, 22। अगेन सागर की कितनी है, 47। तो आप देख सकते हैं इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये सेव हो गया, देखिए अभिषेक नाम आ गया, टाइप इसकी एज आ गई, ठीक है, ये पूरा डेटाबेस बन गया। अब ऐसे ही इन्हीं चीजों में यूजर नेम के, यूजर नेम और पासवर्ड भी स्टोर होते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है, तो आप समझ गए स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं रियल वेबसाइट्स का, ठीक है। तो मैं अपनी वेबसाइट का डेटाबेस खोलता हूं अब ऑनलाइन, अभी मैंने आपको ऑफलाइन समझाया, अभी ऑनलाइन, ठीक है। तो हमने PHP MyAdmin खोल लिया और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट का डेटाबेस कैसा नजर आता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए खुल गया, इतने सारे डेटाबेसेस हैं। चलिए इस डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, यूथो नाम से है ये, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस का डेटाबेस है। अब यहाँ पासवर्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पासवर्ड होता कहाँ है, तो यूजर्स में। देखिए ये जो टेबल है इस पर क्लिक कीजिए, और आप देख सकते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन का नाम क्या है, अभिषेक मालिक का नाम, पासवर्ड ये है। अब आप बोलेंगे ये कैसा पासवर्ड है, तो ये जो पासवर्ड है वो MD5 इंक्रिप्शन से इंक्रिप्टेड है, मतलब मशीनी लैंग्वेज में है, इसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पासवर्ड और यही हमें चाहिए। अगर हमें सिर्फ इतना भी मिल गया, ये जो पासवर्ड है हमें इंक्रिप्टेड भी मिल गया, तो इसे हम MD5 डिक्रिप्टर से डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। देखिए निक नेम मिल गया, ईमेल आईडी मिल गई, बस यही चीज हमें चाहिए होती है किसी भी वेबसाइट को हैक करने के लिए। सारा जितना भी वेबसाइट का फंडा है ना, हैकिंग का, एसक्यूएल इंजेक्शन का, वो सब इसी टेबल पे टिका हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन का यूजर नेम और पासवर्ड, यही चीज हमें बिना यहां पर आए होस्टिंग पे निकालनी होती है। और ये जो पूरी वेबसाइट हैकिंग है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत लोग नहीं जानते, जो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में सिर्फ सुना है उन्होंने, उनको नहीं पता, उनको ये लगता है कि हाँ थोड़ी सी वैल्यू गलत डालने पे जो एरर आता है तो वो वेबसाइट कमजोर होती है, उसको हैक कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं जानते कि आखिर हैक होती कैसे है, क्या मतलब ऐसा क्या किया जाए कि वो वेबसाइट हैक हो। मैंने आपको बता दिया, उस वेबसाइट के डेटाबेस में जाते हैं और एरर दे के क्या होता है, हम उसके डेटाबेस में जाते हैं और ये जो वाला टेबल है, ये जो टेबल है ये ड्रॉप कर देते हैं। टेबल ड्रॉप करना मतलब डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर किसी डेटाबेस के इस टेबल को हम डाउनलोड कर लें तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा, राइट। और जब किसी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास आ गया तो फिर तो भैया हमने हैक कर लिया, और क्या चाहिए, वेबसाइट हमारे कंट्रोल में आ गई, राइट। तो डेटाबेस से और एसक्यूएल इंजेक्शन से ये कनेक्शन होता है इन दोनों का, आपस में आप जान गए। और डेटाबेस कैसा दिखता है मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पर क्या सेव होता है, इन सारी चीजों में क्या होता है, तो वेबसाइट्स की भी तो अलग अलग डेटा होते हैं कि वेबसाइट कब बनी, वेबसाइट में कितने लोग हैं, जैसे अगर इस वेबसाइट में और लोग भी होते तो यहाँ पर आते, कितने पोस्ट हैं वेबसाइट में, वो सब पोस्ट आ गई, देखिए वर्डप्रेस की पोस्ट आ गई, कितने लिंक्स हैं वेबसाइट में, उसके लिंक्स आ गए, देखिए कोई लिंक्स नहीं है, टर्म्स आ गए, एंटरटेनमेंट वगैरह ये सब आ गए, देखो। तो हर वेबसाइट की जितने भी वैल्यूज होते हैं वो सब यहीं सेव होते हैं और हमें सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड निकालना होता है किसी भी तरीके से, और वो क्या तरीका है, एसक्यूएल इंजेक्शन, उसी टेक्निक से हम किसी वेबसाइट को हैक करते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डेटाबेस क्या होता है और कैसे आप एसक्यूएल इंजेक्शन से उसको हैक कर सकते हैं। खैर एसक्यूएल इंजेक्शन से हैक करने की पूरी टेक्निक मैं इसके बाद वाली वीडियो में, या आप कह सकते हैं इसके बाद वाले जो चैप्टर में आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।